खड़े खड़े काम करती हैं, देखो ऐसे, तो कहती हमारे पैर बहुत दर्द होने लगते हैं, तो मम्मी के हमने पैर पे यहाँ लगा दिया है। देखो ये लाइट नहीं दिख रही आप लोग को, ये अंदर लगा हुआ है मस्त मम्मा के पैर में, देखो। अरे अरे आ गए बब्बा जी, अपने पुराने फॉर्म में आ गए, पुराने फॉर्म में आ चुके हैं बब्बा जी। कैसे बोलते हो? अच्छा, इस जगह पर छुपते थे, वहाँ पे गाड़ियों के पीछे छुपते थे, वाह पेड़ पे छुपते थे, इस पेड़ पे तो बहुत छुपे हैं भाई। वो भी क्या दिन थे यार, बड़े बताए, बड़ा होना बहुत बोरिंग है, बड़ा मत हो, जो भी बच्चे है ना अभी, मतलब जितनी मस्ती कर रहे कर लो, क्योंकि बचपन में बहुत मस्ती कर सकते हैं अपन, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे ना तो कोई मस्ती नहीं कर पाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेलो। तो गाइस से टाइम राइट टर्न योर गाइस, मेरा पार्सल आ चुका है और इस पार्सल को अपन ओपन करते हैं। ये मैंने खुद अपने पैसों से मंगाया है, मम्मी के काम की चीज़ है, अपन इसको ओपन करते हैं। पहले ओपन करते हैं फिर दिखाते हैं आपको क्या चीज़ है ये। भाई लड़की लगी है, मैं खोलूँगी पर इसको खोलना नहीं मिलेगा क्योंकि इसको मैंने अपने पैसे दिए हैं ना भैया। जल्दी से अनबॉक्स करें। हाँ चलो गाइस, तो मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया और मेरे हाथ पे रखा हुआ है। हाँ वाइब्रेट तो हो रहा है, थोड़ा टच करके सेट करना। ओहो, तो गाइस मैंने सबके ऊपर ट्राई तो कर दिया है, दीदी के ऊपर भी कर दिया है, पापा के ऊपर भी कर दिया है, और मम्मी के ऊपर भी कर दिया है, और रुद्र के ऊपर भी कर दिया। अब जाके थोड़ा बब्बा जी के ऊपर करते हैं, थोड़ा बब्बा जी को ट्राई करते हैं। दीदी कह रही मत करो। क्यों नहीं करो, वाइब्रेट करेंगे उनको भी थोड़ा। गाइस बब्बा जी तो मुझे दिखे नहीं, और फिर मैंने मम्मी के पैर पे पेड़ लगा दिया, क्योंकि पहले जब मम्मी के पैर पे लगा रहा था तो मम्मी एकदम से बंद कर रही थी। करंट लग रहा करंट, पर वो क्या था, मैंने ओवर पावर्ड कर दिया था, और मोड भी वो मैंने ज़्यादा खतरनाक वाला लगा दिया था। तो अब मैंने मम्मी के पैर पे लगाया है स्लीप मोड, तो अब मम्मी के पैर पे हो रहा है भाई। मम्मी कह रही मेरे तो पैर का दर्द ही ठीक हो गया, नहीं तो मम्मी कहती थी कि हम काम करते रहते हैं, खड़े खड़े काम करती हैं, देखो ऐसे, तो कहती हमारे पैर बहुत दर्द होने लगते हैं, तो मम्मी के हमने पैर पे यहाँ लगा दिया है। देखो ये लाइट नहीं दिख रही आप लोग को, ये अंदर लगा हुआ है मस्त मम्मा के पैर में, देखो। और हमने एक नंबर पे करा है, हमने थोड़ा बताया कितने पे करा था, 16th नंबर पे कर दिया, मतलब 16 पावर कर दी थी उसकी मैंने। इस बार मैंने 1 बस करी है, जितना हो रहा है फिर भी 1 नंबर भी बहुत खतरनाक हो रहा है ना। मजा आ रहा है, मजा। वो तो आदत पड़ जाएगी तो फिर कोई दर्द नहीं होता उसमें। धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, थोड़ी होगा, एकदम से बढ़ाते हैं ना, तो एकदम से बड़ा हुआ लगा दिया, तो वो हम लोग जानते ही नहीं किस टाइप से होता है, आपको समझ में आ रहा है। हाँ सही है, मम्मा ने कहा अभी तुमने एक मंगा, एक और मंगा दो, दोनों पैर में एक लगा लेंगे। माँ हाँ। अब मैं अपने हाथ पे ट्राई करके देखूं। हाँ ठीक है। हाथ को क्या हो रहा, तुम्हारे हाथ को क्या हो रहा? ऑटोमेटिक हिल रहा है। हम खुद नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है। अरे 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 ये क्या है? 2 पे नहीं करो बेटा, माइनस पे रखो ज्यादा। इसमें कुछ नहीं हो रहा अम्मा, कुछ करेंट वरेंट भी नहीं लग रहा है इसमें तो। ये हाथ को क्या हो गया? चलो यही वाला मोड मम्मा के हाथ पे करें, 1 पे। नहीं हमें नहीं करना, कुछ हो ही नहीं रहा उसमें, बस हाथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं करना दो, नहीं हमें नहीं करना। अरे गाइस ये देखो मम्मा के हाथ पे भी कर दिया है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा देखो मम्मा का हाथ भी हो रहा है। के झटके घल रहे गुल्लू, करंट के झटके। वो जब कोई मर जाता ना उसकी, वो सीने चेस्ट पे करते हैं धक, करंट का झटका देते हैं, वैसा ही हो रहा है। दीदी के हाथ पे करो, उसके हाथ पे तो होता ही नहीं है, उसका हाथ पता नहीं पागल है उसका हाथ। इसके हाथ पे करो अम्मा, करें इसके हाथ पे, पागल है वो, उसके हाथ पे होता ही नहीं है ये, करें कर निकाल के कर चिपका दो, चारपाई में निकाल देते हैं। हाँ निकाल देते हम तो, नहीं निकाला। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भाई यार ये तो बड़ा फनी चीज है यार, और सस्ती भी है भाई, बताए 251 रुपीज की आई है बस ये। और अब तो और कम हो गया।
हाँ अब और कम का हो गया, दूसरा ऑर्डर किया तो दूसरा, हाँ दूसरा ऑर्डर किया तो 221 का हो गया, और कम हो गया। देखो इसका हाथ देखो, एक हाथ से बढ़ते तो पकड़िए दूसरा। अम्मा मस्त है ना, ओए चल दे बहुत लगा लिया, निकालो मैं इसके हाथ से, दर्द होता है क्या, ऑफ करो उसको, ऑफ करके निकालो, करो दुख जाओ हाथ दे, ऑफ करना है तो पता है माइनस पे क्लिक करो ऑफ हो जाएगा, और चालू करना है तो प्लस पे करो, उसमें चालू और बंद करने वाला ऑप्शन नहीं है पता है, तो उसको अगर आपको चालू करना है तो प्लस पे दबाओ और बंद करना है तो माइनस पे दबाओ। अच्छा, हमें बता रही हैं आप, हम ही ने उसको निकाल लगाया है, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। अच्छा, इसको निकालो, नहीं 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 निकालो, जरूरत नहीं है उसका, काहे को निकालना, इसकी ग्लू कितनी खतरनाक है, हाँ है ना, तभी तो गिरता नहीं है, इतनी तेज झटका घंटा है, लगाओ पैर पे, यहाँ देखना अम्मा बहुत मजा आती है, यहाँ पे लगाओ तो गाइस देखना मेरा पैर, यहाँ पे लगाऊंगा मैं, आराम लग गया ना, ऐसा आराम लग गया है ना, जैसे कुछ था ही नहीं पैरों में, अबे ऐसा हो ऐसे हो, और फेस वगैरह पे करना हो तो है, फेस पे नहीं लगाना, फेस पे लगाने का नहीं है, देखना गाइस इसका करा प्लस मोड, पहले वो वाला कर लें जो हम कर रहे थे, ये देखो गाइस पैर देखो, कौन सा था जो हमें लगाया था, हाँ पहले मस्त है उम्मा, देखो पूरा पैर, हाय हाय मजा आ गई गाइस, अब तो सो जा रहा है मस्त, इसमें सिस्टम है 15 मिनट में पता है अपने आप ऑफ हो जाएगा ये, मजा आ गई भाई, तो मस्त चीज़ हो, तो गाइस ये तो चलती रहेगी, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस मुझे पता है कि अभी आप लोग को व्लॉग में मज़ा नहीं आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग ही नहीं बना पाता हूँ क्योंकि घर से कहीं बाहर जाता ही नहीं हूँ और जिम भी नहीं जाता हूँ, तो गाइस इसलिए मज़ा नहीं हो रही आ रही होगी आप लोग को व्लॉग में, जितना ज़्यादा बाहर जाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी दिखाने के लिए, लेकिन घर में ही रहते हैं तो ऐसी कोई चीज़ें रहती नहीं है दिखाने, क्या दिखाएं, और ज़्यादातर टीवी देखते हैं घर पे, तो कहीं और मतलब घर पे कुछ काम भी नहीं करते हैं तो कुछ काम ही नहीं रहता है मतलब दिखाने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग में मतलब मज़ा नहीं आ रही होगी आप लोग को, लेकिन चिंता नहीं करो आज मेरी तबीयत ठीक होने में मतलब ठीक हो गई है, बस थोड़ी बहुत खांसी आ रही है वो भी कल ठीक हो जाएगी, तो फिर देखना कल से मज़ा आने वाली है आप लोग को व्लॉग में, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं कुछ दिखा नहीं पा रहा था, लेकिन कल मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। तो गाइस अभी कुछ नहीं कर सकते तो अब चलो नीचे चलते हैं, तो बब्बा से ही पूछ लेते हैं क्या कर रहे हैं। गाइस मैं आया था नीचे बब्बा जी को दिखाने और चाची ने मुझे दे दी सब्जी, कहती जाओ ऊपर देकर आओ ये मम्मी को अपनी, तो अब जाते हैं, हैं चलो कोई काम तो मिला कम से कम, तो अब चलते हैं नीचे मतलब ऊपर देने के लिए, ओवर भर दिए, ओवर हो चुकी है, देखो यार गिर ना जाए नहीं तो मेरा हाथ पूरा गंदा हो जाएगा, और मम्मी टीवी देख रही है और कोई काम ही नहीं है, मम्मी की भी तबीयत ख़राब है इसलिए, खोलो खोलो खोलो, ये चाची ने दी है कोफ्ते की सब्जी, हम गए थे बब्बा जी को दिखाने के लिए और चाची ने कोफ्ते की सब्जी पकड़ा दी, कहती जाओ देकर आओ ऊपर, और ये देखो ये क्या देखती है टीवी में, ये सब देखती है टीवी में और कोई काम ही नहीं है, यही लगा रहता है, तबीयत क्या खराब हो गई, ये तो पूरे टाइम यही देखती रहती, टीवी देखती रहती पूरे टाइम, टीवी नहीं मिलती देखने, बड़ी आई देखती रहो पूरे टाइम टीवी देखती रहती है जब से तबीयत खराब हुई है, मौका ही नहीं मिलता टीवी देखने का। तो गाइस ये है अपने बब्बा जी, मैं आप लोग को इनसे मिलवाने आया हूँ, बब्बा जी तो क्या कर रहे हो, अरे अरे आ गए बब्बा जी अपने पुराने फॉर्म में आ गए, पुराने फॉर्म में आ चुके हैं बब्बा जी, कैसे बोलते हो, अच्छा यही तो स्टाइल थी बब्बा जी की बात करने की, जब बब्बा जी पहले ब्लॉग में बात करते थे ऑपरेशन से पहले, हाँ तो तबीयत कैसी है आपकी, अच्छा हाँ वो ठीक चल रही है, स्पीड देखो बोलने की बब्बा जी की, भैया बब्बा जी से कुछ पूछो, बब्बा जी बड़ी स्टाइल में आपसे बोलेंगे, बहुत अच्छा हूँ, अरे एक ही एक क्वेश्चन पूछ रहे हो,
तो बब्बा जी, हाँ जी, क्या आपका वो टाँके भर चुके हैं? वो भरते ही आ रहा है धीरे 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 धीरे। बब्बा जी, हाँ जी, आप बाहर टहलने जा रहे थे क्या अभी? हाँ, थोड़ा जाऊंगा खाना खाने के बाद। अच्छा, अभी खाना नहीं खाया? खा लिया। अरे तो फिर आप कह रहे हो जाऊंगा तो जाओ फिर टहलो। बब्बा जी, आपने खाने में क्या खाया? वो दलिया खाया। और वो दलिया कैसा था? बहुत टेस्टी। चलो आओ बब्बा जी, मैं भी टहलूंगा आपके साथ। चलो टहलते हैं भैया अपन तीनों। तो गाइस, अपने बब्बा जी आ चुके हैं टहलने के लिए अपनी लाठी लेकर, और भैया भी आ चुका है और हम भी आ चुके हैं। तो गेट लगा देते हैं। बब्बा जी तो अपने निकल भी चुके टहलने के लिए। चलो टहलते हैं, इसी रोड पे टहलते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, है ना भैया? हाँ। तो मस्त तीनों टहलते हैं, नाती, नता और दादाजी, तीनों गाइस टहल रहे हैं। वो भी क्या दिन थे जब हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर लुका छुपी खेलते थे, और क्या क्या खेलते थे, इस जगह पर छुपते थे, वहाँ पे गाड़ियों के पीछे छुपते थे, वाह पेड़ पे छुपते थे, इस पेड़ पे तो बहुत छुपे हैं, और इस गाड़ी के पीछे छुपते थे, इसके अंदर घुस जाते थे जाली के अंदर, पता है, छुपने के लिए। भाई वो भी क्या दिन थे यार, बड़े पता है बड़ा होना बहुत बोरिंग है, बड़ा मत हो, जो भी बच्चे हैं ना अभी, मतलब जितनी मस्ती कर रहे कर लो, क्योंकि बचपन में बहुत मस्ती कर सकते हैं अपन, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे ना तो कोई मस्ती नहीं कर पाते हैं, है ना भैया? अभी आप जितनी मस्ती कर सकते हो कर लो, क्योंकि जब बड़े हो जाओगे तो फिर आपके सारे दोस्त बड़े हो जाएंगे, सब कहीं ना कहीं पढ़ने चले जाएंगे, कोई ना कोई काम करने चले जाएंगे, तो फिर आपके साथ कोई खेलने वाला रहेगा ही नहीं। लेकिन कुछ दोस्त तो रहेंगे ना? कोई नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दोस्त रहे आपके साथ। कैसे है तो कौन? या तो आप बाहर चले जाओगे या तो आपके दोस्त बाहर चले जाएंगे, इसलिए बहुत बोरिंग लाइफ हो जाती है, बड़े हो जाते हैं तो कोई है ही नहीं खेलने वाला अपने साथ। आप टीनेजर हो? हाँ हम टीनेजर हैं। टीनेजर कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं, वो तो कॉलेज में होते हैं। अब जो भी समझना आपको समझ लो, अपन तो टहल रहे हैं, बब्बा जी कह रहे हैं आए हैं हमारे साथ टहलने और अपनी अपनी बातें करने लगे हैं, है ना भैया? तो गाइस अब थोड़ा बब्बा जी के साथ टहल लेते हैं, फिर बाद में आप लोग से मिलते हैं। गाइस तो अब बब्बा जी घर चले गए हैं और आ चुकी हैं दादी, अब दादी भी टहलने लगी है। वैसे दादी तो रात के 9 बजे टहलती हैं राहुल भैया की मम्मी के साथ, हम लोग की पड़ोसी की आंटी के साथ, पर अब दादी हम लोग के साथ आ गई हैं टहलने। और आप क्या कर रहे हो तलवार लेकर? कर लो भैया जितनी मस्ती करनी है कर लो, क्योंकि फिर जब बड़े हो जाओगे तो इतनी मस्ती नहीं कर पाओगे आप। तो चलो मैं दौड़ूंगा, आप मुझे पकड़ोगे, ठीक हाँ। है हाँ। 2, 1, 2, 3 मैं तो इतने आगे आ गया, चलो 2 घंटे तो लग ही जाएंगे इसको आते आते। पकड़ लिया पर बड़ी जल्दी आए भैया, क्या बात है। चलो आप दौड़ो दादी को टच करो जाके, दौड़ के चलो आप दौड़ो, इसी बहाने भैया का फैट भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब भैया जिम तो करता नहीं है, इसी बहाने भैया दौड़ेगा तो फैट कम हो जाएगा। चलो पकड़ लिया भैया ने, तो अब चलो हम भी थक गए, चलें भैया अब चलें घर। अभी रुको। अरे भैया आप तो नहीं थकने वाले, अब हम बूढ़े हो गए, हमारे बूढ़े होने की एज आ गई है, भैया तो जवान है अभी। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ भी, कुछ भी। तो गाइस टहल के तो आ चुके हैं और अब मस्त खाते हैं क्या? फ्राई, हाँ फ्राई चावल। भूल क्यों जाते हैं जब भी हम ब्लॉग बनाते हैं? तुम अच्छी भूलते हो। जब भी आपने देखा होगा गाइस, जब भी हम ब्लॉग बनाते हैं ना बोलते हैं क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं इसको? फ्राई चावल है, फिर भी हम इसको बोल रहे हैं, क्या कहते हैं इसको मम्मा? अपने सब्सक्राइबरों के सामने ना तुम कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ा बोलने में। हाँ थोड़े हिचकिचाने लगते हैं, डरने लगते हैं बोलने में कि क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आता है, तो एकदम याद थोड़ा ना करके रखते कि ये बोलना है। तो गाइस अब इसको खाते हैं, अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। गाइस अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।